पाखी बेबी, तू पहली बार हमारे घर आई है और मुझे तुझे देने के लिए चॉकलेट भी नहीं है। हाय राघव बेटा, वेलकम होम। खबरदार जो आज के बाद मेरी बेटी को सिखा। बस मीम साहब, मैं आपके यहाँ काम करती हूँ। कल्पना नहीं, ज्ञान अमीर गरीब नहीं देखता। मुझे माफ कर दे पाखी बेबी, कमला माँ ने तेरा दिल दुखाया है ना? नहीं कमला माँ, आपने तो ये मेरे अच्छे के लिए किया। आपको आपके बाबा की याद आ रही है ना? ये फोटोज मैंने खुद क्लिक करी थी। पापा की डेथ के एक दिन पहले मुझे नहीं पता था कि पापा नहीं रहेंगे, सिर्फ ये फोटोज रह जाएंगी। शायद इसीलिए कहते हैं बेटा, जो है उसके लिए देवा को थैंकू कहना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने पास नहीं रहते हमें उनकी कीमत समझ में आती। जब तक सिंघानिया सेठ थे हम लोगों की लाइफ मस्त थी। मेरा बेटा नौकरी पे जाता था और मैं घर संभालती थी। लेकिन आपके पति तो पापा से नफरत करते थे ना? सारे वर्कर्स भी पापा को। नहीं राघव बाबा, वो इतने दिन मिल बंद रहा ना तो सब परेशान थे। हम लोगों को मालूम था जब तक सिंघानिया सेठ है हम लोगों को कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है राघव बेटा? कमला परेशान कर रही है क्या? नहीं, वो सिर्फ नाश्ता देने आई थी। लैपटॉप पे क्या कर रहे थे? गेम्स खेल रहे थे? नहीं मेम साहब, वो राघव बाबा का कंप्यूटर खराब हो गया है। ओहो, अच्छा कोई नहीं, जब साहिल आएगा ना मैं कह दूंगी उसे, आपके लिए नया लैपटॉप ला देगा, ठीक है? नहीं आंटी, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अच्छा मेम साहब, मैं घर जा रही हूँ। क्या टाइम? देखो जल्दी जल्दी अपनी दुकान बंद करो, ताई आती होगी। देवा तू बहुत डिस्टर्ब करती है दिव्या, तू जा। अब आना खाना बनाना सीखने के लिए, फिर बताती हूँ। अरे 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 अरे, देखा कल्पी, तेरे बाबा जैसा दूसरा कोई नहीं होगा इस दुनिया में।
तेरे जैसा पति किसी का नहीं होगा विठल। देवा का आशीर्वाद है जो तू मेरा है। अना, तो अब आशीर्वाद के भजिए भी खाइए। ये भजिए तूने बनाए? क्या क्या करता रहता है तू? चलो पाकी, देर हो रही है। बाय कमला माँ। बाय बेटा। चलो पूकी के पढ़ाई के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर दिए मैंने, तो अपनी थोड़ी प्रॉब्लम्स देख लूं। पिछले हफ्ते 2 किटीज मना कर चुकी हूँ। फंड रेजर पार्टी भी अटेंड कर ली है, फोन कर लेती हूँ उन लोग को बस। मेम साहब। हाँ। वो आज टीचर आने वाले हैं। हाँ क्यों? नहीं, वो कल्पी को एक सवाल का जवाब चाहिए था, गणित का सवाल है। अब कमला तुझे पता है ये टीचर कितने पैसे लेता है? 2000 रुपए लेता है एक घंटे के। अच्छा ठीक है, मुझे पता है तू कुछ भी करेगी अपनी बेटी के लिए, पैसे तो तू कटवा ही लेगी अपने पगार से जितनी देर का मतलब वो सवाल जवाब करेगी टीचर से। लेकिन तुझे लगता है ये टीचर एक सरकारी स्कूल की बच्ची का जवाब देगा? हाय कमला प्लीज, बड़ी मुश्किल से मिला है, उसको भगा मत दियो प्लीज। खबरदार जो कल्पना को उसके पास भी भेजा प्लीज भेजियो मत। बता रही हूँ मैं। हाँ हाय डार्लिंग। हाँ मेरी कल्पी स्कूल से आती होगी, बेचारी को क्या जवाब दूंगी मैं? मैंने उसे कहा था उसके सवाल का जवाब बाकी के टीचर्स को पूछ ले। कमला माँ, मैं आ गई। अरे वाह, कैसी है बेटा? सुन, मैं तेरा दूध तैयार करती हूँ, दूध के साथ क्या खाएगी? कुछ नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। आ गई विठल की राजकुमारी। आई? बाकी के टीचर आए क्या? हाँ बेटा। चल आई, फिर हम बाकी के टीचर के पास चलते हैं, उनसे सवाल का जवाब पूछ लेते हैं। मैंने स्कूल में भी बड़े बच्चों से पूछा लेकिन मुझे सही जवाब नहीं मिला। चल ना। कल्पी सुन बेटा। क्या हुआ आई? अंदर मत जा बेटा। सुन, अपने चाल में वो दीपांकर दादा है ना, उनको गणित बहुत अच्छी तरह आता है, उनसे पूछ ले बेटा। लेकिन आई इधर पाखी के टीचर है ना, मैं उनसे ही पढ़ लेती हूँ। कल्पी तूने सुना नहीं आई ने क्या कहा? दीपांकर दादा से सवाल पूछ लेना। अब चुपचाप चलकर खाना खा और पढ़ाई कर। गणित एक ही विषय नहीं है, दूसरे भी विषय है, वो भी पढ़ सकती है तू, समझी? चल अभी। शायद मेरा फर्स्ट स्टेप ठीक है, सिर्फ सेकंड स्टेप में कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं कैसे पता करूं कि मेरे स्टेप्स ठीक हैं कि नहीं? कल्पी, कल्पी कहाँ गई ये लड़की? अब मैं बता दूँ, ये देख, फर्स्ट स्टेप तो तू सही कर रही है, इसके बाद 2 स्टेप्स और हैं जो तू गलत कर रही है। सेकेंड स्टेप में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। एंड थर्ड स्टेप, हम इसी फॉर्मूला का यूज करके सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर आंसर मिलेगा। समझी? मैं ये फॉर्मूलास अभी सीख लेती हूँ। देखना, अब मैं आपको ये सब कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये लो। नहीं। बेफिजूल की जिद्दी हो तुम। लो इसे। थैंक यू। जैसे हर सवाल का जवाब होता है, वैसे ही देवा किसी न किसी को भेज देता है मदद के लिए। देखा, मैंने ये सब भी सॉल्व कर दिया। लो। तुम रख लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आई कहती है दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए, मुझे पता है, लेकिन अगर पेन नहीं चल रहा तो बाकी प्रॉब्लम्स क्या हवा में उंगलियां घुमाकर सॉल्व करोगी? अच्छा ठीक है, तुमने ये सम सॉल्व किया ना, तो मेरी तरफ से तुम्हें इनाम। ले पाकी। वाओ, हो गया होमवर्क पाकी बेटा, चलो हम चलते हैं। हाँ कल्पी, तेरा पेन तो क्लास है यार। वैसे किसने दिया तुझे ये? वो राघव बाबा ने दिया है। राघव, क्या दिया तुमने कल्पी को? मुझे तो कुछ नहीं दिया, तो उसे क्यों? पहले तो ये क्लियर करो कि तुम पूछना क्या चाहती हो, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? मैंने कल्पी को कुछ क्यों दिया, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा इसको पूछ रही हो? मैंने उसे अबेकस दिया। पहले अबेकस और अब पेन। वाओ, ये मैं रख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई जस्ट लव इट। पाकी, लेकिन तेरे पास तो कितने सारे पेन्स हैं, एक से एक, लेकिन इतना स्मूथ एक भी नहीं। तू ना मेरे सारे पेन्स ले ले। कल्पी कभी किसी को मना नहीं करती, है ना कल्पी? देख बेटा, तू ये पेन पाकी बेबी को दे दे, मैं तुझे दो पेन दूंगी। नहीं आई। दे दे बेटा। नहीं आई, मैं नहीं दूंगी। मेरी बेटी है कमला, पेन क्यों नहीं दे रही है तेरी बेटी? कितना किया है मैंने तेरे और तेरी बेटी के लिए, हम लोग कितना सोचते हैं तुम लोग के बारे में, और तू एक मामूली पेन के लिए मेरी पुक्की को रुलाएगी? तंग आ गई हूं सच्ची में तुम दोनों के साथ। कभी तू पुक्की को रुलाती है, कभी तेरी बेटी रुलाती है। पुक्की अपने खिलौने देती है ना उसको खेलने के लिए, वो एक पेन नहीं दे सकती है? दिखा दी ना अपनी औकात। चल मैं ना तुझे 100 पेन दिला दूंगी, इससे भी बेहतर पेन दिला दूंगी। तू चल। नहीं, मुझे वो ही पेन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और मुझे। आजा आजा, बस चिंता मत कर, तेरा पेन तेरे पास ही है ना? हाँ तो बस स्माइल। ठीक किया तूने। कल्पी, ये क्या हो गया तुझे? पहली बार तूने ऐसी हरकत की है। हाँ, इसने क्या गलती की है, बच्ची तो है ना ये भी, और ये इसकी चीज किसी को क्यों दे? दिव्या,
बच्चों की तरह बात मत कर। एक छोटे से पेन की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने की क्या जरूरत थी? आज एक छोटी सी पेन की बात है, कल कुछ बड़ा होगा तो हम लोग यहाँ काम करते हैं, इन सांप लोगों की तरह बड़े नहीं है हम लोग। झगड़ा करके कुछ नहीं मिलने वाला हम लोगों को, मुसीबत हम लोगों के सर पे आ जाएगी। बाकी बेटा बस तू माँ की बात मानेगी ना बेटा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो पेन चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। काकी बेटा, ये सब तू क्या कर रही है? उस पेन में क्या खास बात है? देखना बेटा, कल भी विवाह जिद पकड़े हुए है, मैं क्या करूं? अगर आप लोग मुझे वो पेन नहीं दिला सकते तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे वो पेन चाहिए, मुझे वो ही पेन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे वो ही पेन चाहिए। पुकी, पाकी, लग गया ये बच्चा, लग गया ये बच्चा, दिखा दे प्लीज। दिखा ना रानी, खून निकल रहा है मुझे पता है। बेटा ला, थोड़ी हल्दी लगा दूंगी, ठीक हो जाएगा बेटा। ये चोट पे मलहम लगा के क्या दिखाना चाह रही है तू? तुझे इतनी चिंता होती ना कमला तो तू ये होने ही नहीं देती। सब समझती हूँ मैं, तू ना जानबूझकर मेरी बेटी के भोलेपन का फायदा उठाती है, ऐसी फुसलाकर उसे अपने वश में किया हुआ है तूने। लेकिन जिस दिन पुकी को ये बात समझ में आएगी ना कमला, उस दिन देगा। नीतू प्लीज मत चिल्लाओ, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो मैंने कुछ किया क्या? कमला तू सुन रही है, मैं कुछ बक रही हूँ? 5 मिनट में अगर तूने पुकी का रोना बंद नहीं कराया ना तो देख ले। ये लो, माँ से बड़ी ड्रामेबाज। इतना सब कुछ हो गया है, अभी उपकार दिखाने आ गई है। एली, रोना बंद कर, वरना एक और डांट पड़ेगी। जानती थी तू आई की बात कभी नहीं डाले, कैसा लग रहा है पाखी? ठीक है। मौसी, आप घर जा रहे हो ना अभी? हाँ, मेरा काम तो हो गया। मैं भी आपके साथ घर चलूं? आई तो अभी लेट आई, पाखी को चोट जो लगी है, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। चलो
में ड्राइंग बनाऊंगी इस पेन से जिसमें आप और मैं गार्डन में ओके अरे राघव बाबा मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ कल्पी ए कल्पी कहाँ चले गए कल्पी वो गई दिव्य के साथ वे आई एम स्टक एट होम विद द किड्स ऑल डे मीमसा मैं घर जा रही हूँ बाकी बेबी सो गई बड़ी जल्दी खत्म हो गया तेरा काम पानी दे तो तू आ जाना यार 7:30 बज गए मीमसा घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाएंगे बेटा तू बराबर पढ़ाई कर रहा है ना वो तेरी आई ने कहा तुझ पे नजर रखने को हाँ बाबा क्यों नहीं वो कभी पढ़ते हुए नहीं देखा ना ऐसे किताब लेकर बैठ कर कभी नहीं अरे देख आज दोपहर को मैं तेरे साथ मंदिर में बैठा था एक... कल्पी कल्पी ए कल्पी क्या हुआ हाँ चल अब बता क्या हुआ मेरी राजकुमारी को क्यों रो रही है उस सिंघानिया सेठ के बेटे ने मुझे पेन गिफ्ट में दिया था लेकिन पाखी ने जिद कर कर मुझसे पेन ले लिया और तुझे देना पड़ा मतलब अरे उसने गिफ्ट तुझे दिया था तो वो पेन तेरा हुआ ना तो वो मेम साहब की बेटी ने काय को तेरे से मांगा और तूने काय को दिया कल्पी आज मुझे बहुत गर्व है तुझ पे मालूम है विठल आज कल्पी ने दिखा दिया कि वो मेरी बेटी है मेरी समझदार बेटी वो आज पाखी ने ना मत बना मेरी राजकुमारी को दूसरी कमरा मत बना आज जो कल्पी ने किया या तूने करवाया उसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है कमला बच्ची है ये अभी से इसे महान बनाने की जरूरत नहीं है पाखी ने ये किया पाखी ने वो किया पाखी ऐसी पाखी वैसी तो उसने आज जिद की ना और उसकी जिद की वजह से मेरी बेटी को समझदार बनकर उसकी जिद पूरी करनी पड़ी क्यों हर बार कल्पी को समझने की जरूरत है क्योंकि वो गरीब विठल की बेटी है तो हर बार दूसरे का सोचे जैसे तू कल्पी को समझाती है वैसे पाखी को भी तो समझा सकती है वो भी तो तेरी बेटी है ना क्योंकि विठल मेम साहब की बेटी की खातिर तूने मेरी बेटी को रुलाया है ये बात ठीक नहीं है कमल बर्दाश्त के बाहर है कल्पी को पेन तोहफे में मिला उसने अपना मानकर मना कर दिया देने से नहीं दिया बच्ची है वो कमला कहीं उसके मन में ये बात घर ना कर जाए कि उसे हर बार अपनी ही चीज दूसरे को देनी होगी आज पाखी ने उससे पेन मांगा है कल ना जाने क्या मांग ले पर वैसे भी बचपन से वो अपनी सबसे बड़ी चीज बांटती आई है उसकी आई
अगर कल्पी ने गलत किया है तो ठीक है, नहीं तो तुझे उसे समझाना होगा कि तूने जो किया वो क्यों किया। कल्पी ने कोई गलती नहीं की है विठल, मैंने उसके साथ गलत किया है आज। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तूने गलत किया है तो सिर्फ पश्चाताप करके कुछ नहीं होगा, उसे एहसास दिलाना होगा कैसे भी तू गलत को सही करके दिखाएगी। ये ले कल्पी, ये ले डाल, मेरे आई ने बना के दी थी जब मैं छोटी सी थी। संभाल के रखी थी मैंने, आज के बाद ये डॉल तेरी हुई, क्योंकि आई तो इसके साथ खेलती नहीं। अब आज के बाद कोई तुझसे ये डॉल मांगेगा ना बेटा तो कह देना मैं नहीं दूंगी, मेरे आई ने दी है और उसने कहा है किसी को नहीं देना। कल्पी बेटा तू जा तेरे डॉल के साथ खेल, मैं आती है। हाँ ये ले। कल इस एक पेन की वजह से तूफान आ गया था, क्योंकि अगर ये मुझे पहले मिला होता ना तो मैं किसी को ना देती। विठल सही कह रहा था, पाखी बेबी की ऐसी जिद करने की अब उम्र नहीं रही, पाखी मेरी बेटी जैसी है, अब मुझे ही उसे सही गलत सिखाना पड़ेगा। ये ले बेटा। थैंक यू कमला माँ। अरे ताई मुझे ना शाम को एक फंक्शन पे जाना है। हाँ तो एक अच्छा सा सलवार कमीज मैंने संभाल के भी रखा है, पर देखो ना एक भी ढंग की चप्पल नहीं है साथ में पहनने को। तो मेरी वाली ले लेना। कौन सी, नई वाली? हाँ हाँ नई वाली, फिट आएगी तो पहन ले। कौन सी वाली कमला माँ? वही जो मेरी बेटी ने दी है बेटा। अच्छा वो कल्पी वाली? चल बेटा जल्दी से तैयार हो जा, स्कूल के लिए देरी होगी नहीं। कल्पी कल्पी चल बेटा, बाकी बेबी को छोड़ के आते हैं। कितनी अच्छी डॉल है तेरी, कितनी इंटरेस्टिंग है, एक मिनट दिखा। अभी बोल। ताई आप इतनी महंगी चप्पल मुझे पहनने को दोगे? ताई इतनी महंगी चप्पल पहनकर तो मैं किसी रियासत की बेगम लगूंगी। पर एक बात बताऊं ताई, ये चप्पल ना मेरी कमीज के साथ बिल्कुल मैच करती है। तो ये ले पहन। खबरदार तूने मेरी दी हुई चप्पल पहनी तो। कमला माँ आपने तो बोला था अपनी बेटी की दी हुई चप्पल आप दोगे। हाँ बेटा तू भी तो मेरी बेटी है ना। लेकिन कमला माँ अब मेरा दिया हुआ गिफ्ट किसी और को कैसे दे सकते हो? किसी का प्यार से दिया हुआ गिफ्ट किसी को नहीं देते हैं कमला माँ।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पाखी बेबी, किसी ने दिया हुआ गिफ्ट किसी को नहीं देना चाहिए। मैं अपनी पाखी बेबी का गिफ्ट दी हुई चप्पल दिव्या को कैसे दे सकती। एक बार जो गिफ्ट देता है वो चीज उन्हीं की हो जाती है बेटा। मैं आपको कल वही बता रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। कल्पी को दिया हुआ पेन उसका गिफ्ट है। आज आपको उसकी डॉल भी पसंद आ गई। फाइन, ठीक है, ये कल्पी का गिफ्ट है ना, तो मैं उसको लौटा दूंगी। कल्पी, ये ले अपना पेन। ले ले बेटा, ले ले। कमला माँ, मुझे प्रॉमिस करो कि आप मेरी दी हुई चप्पल किसी और को पहने नहीं दोगे। नहीं दूंगी बेटा, कभी नहीं दूंगी। कल्पी को भी नहीं? कल्पी को भी नहीं। मुझे तो वैसे भी तेरी चप्पल नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छी लगती। मतलब क्या खराबी है इस चप्पल में? क्या कहना चाहती तुम दोनों? चुप बैठोगे? तुम दोनों को अच्छी तरह मालूम है ना, आई को लड़ना झगड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम दोनों जब लड़ते हो तो मेरी जान जाती है। पाखी, तू ये पेन रख ले, आज आई ने मुझे गिफ्ट दिया है जिसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझे अपनी खुशी से ये पेन दे रही हूँ, रख ले। रख बेटा, कल भी खुशी खुशी दे रही है। कमला माँ, आपने उसे गिफ्ट दिया और मुझे नहीं दिया। पाखी बेटा, मैं तुझे भी गिफ्ट देगी, क्या चाहिए तुझे? मुझे कल्पी से अच्छी डाल दो। ठीक है बेटा, कल्पी से भी अच्छी डाल देगी मैं तेरे को। पता है डॉली, कमला माँ मुझे एक नई डॉल लेके देने वाली है। कमला माँ की डॉल तो मेरी फेवरेट होगी ना, लेकिन तू चिंता मत कर, जब तक कमला माँ की डॉल नहीं आती ना, ये हो माय फेवरेट डॉल। मुझे पता है कमला माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है ना डॉली, और मैं भी उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बेचारी कमला भाई, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये लड़की एक दिन उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। क्या हो मॉम, आप ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? I'm sad. क्यों? इस घर में मेरा कोई नहीं है। तेरे पापा तो सुबह ही चल देते हैं ऑफिस, और तुझे जब फ्री टाइम मिलता तो तू ये गेम लेके बैठ जाता है। ओह कम ऑन मॉम, अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना जो आपको बार बार हक करूंगा। बट आई डू लव यू मॉम, ओके? हाँ, जैसे आई डोंट लव यू, तो फिर ये MP3 प्लेयर किसके लिए लाए? कोर्स मेरे लिए, और किसके लिए? वाओ। हाँ लेकिन बात तो तुम मेरी बिल्कुल भी नहीं मानता। ओ मॉम, मैं तो आपकी हर बात मानता हूँ, और मेरी एक ही तो मॉम है, मेरा भी तो तू ही है प्रेम, इसलिए शायद मैं तुझे ही परेशान करती रहती हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना अपनी बहन का भी ध्यान रख, रखा तूने? बस अगर आप पुकी के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो वो क्यों किसी कमलाबाई को भाव देगी या किसी आया की बेटी के साथ टाइम स्पेंड करेगी? ओके प्रॉमिस मॉम, अब से मैं आपको अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। ये लीजिए, दाल चावल और आलू की सब्जी तैयार है, बैठिए। तू घर के काम क्यों करता है विट्ठल, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू क्यों बाहर काम करती है कमला, मुझे अच्छा नहीं लगता।
मैं लगाता हूँ तेरे लिए। अरे ये किसके लिए? कल्पी की डांस क्लास या पकिया का जूता? बाकी की नई डाल के लिए मैंने उसको प्रॉमिस किया है। विक्टर जला क्या? दिल जला। जैसे तू पाकी के पीछे लगी रहती है ना, तू उसकी माँ नहीं है। और ये एक एक पैसा जो तू डाल रही है, तू अपनी बच्ची का हक छीन रही है। इतनी बार समझाता हूँ लेकिन समझ में नहीं आती। चलो खाओ खाना। नहीं आई। तूने प्रॉमिस किया है और वैसे भी प्रॉमिस निभाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। क्या बाबा आप भी तो मंदिर में भजन गाते हो ना कि प्यार देने के लिए होता है, जितना दोगे उतना मिलेगा। और वैसे भी ये सिर्फ आई का पैसा नहीं, प्यार है बाबा। तू बिल्कुल अपनी आई पे गई है, तुझे किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही रहना कल्पी। कभी भी किसी के लिए भी मत बदलना। ये 25,000 रुपए एनवेलप, ठीक है? धर्मेंद्र आएगा तो उसे दे देना, याद। साहिल भी ना मुझे इधर उधर ही छोड़ देता पैसे। इतने सारे नौकर हैं, नौकर के बच्चे हैं इस घर में, किसी की भी नियत नजर बदल सकती है। मैं भी इधर उधर ना छोड़ दूं 25,000 रुपए ड्रॉअर में रख देती हूँ। अब देखना मम्मी, जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है ना, उसे मैं कैसे आउट करता हूँ। अगर किसी तरह मैं ये पैसे इसके बैग में डाल दूँ तो लाइफ के लिए सबक सीख जाएगी। प्रेम क्या हुआ बच्चा, कुछ चाहिए? नहीं मैं तो बस ऐसे ही, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जब देखो पढ़ती रहती है पता नहीं। कल्पी बेटा मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, जब मेरे कमरे से बाम की शीशी ले आएगी? कल्पी मिल गया, ला दे जरा लगा ले बेटा। अरे कमला वाह क्या सेवा भावना है तेरी बेटी में, बहुत अच्छे से सर दबा रही है। सर में दर्द था तो मुझे भी कह सकती थी आप मीम साहब। हाँ हाँ तो
तुम लोग की बेटियों को तो जन्म से ये सारे काम आ जाते हैं, झाड़ू पोछा, सर दबाना, ये सारे काम। नहीं मेम साहब, कल्पी को सिर्फ पढ़ना है, वो उसके आई की जैसे काम नहीं करेगी। अरे नीतू, वो पैसे गए जो मैंने तुम्हें दिए? वो उधर ही ड्रॉअर में रखे। अच्छा, धर्मेंद्र आया नहीं ना अभी तक। कहाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है। अरे वहीं रखे हैं साहिल। किधर है पैसे? यहाँ कुछ नहीं है। साहिल क्या कह रहे हो, नहीं यही रखा था सर। यहाँ तो कुछ नहीं है। अरे बट आई पुट इट हियर, तुमने वहां छोड़ा था, मैंने उठा के अपने आप डाला है यहाँ पे। पर यहाँ तो कुछ नहीं है ना। किसी ने उठा तो नहीं लिया। मम्मी जी, अरे मम्मी जी, प्रेम, दिव्या, घर से 25,000 रुपए चोरी हुए हैं, किसने लिए, कहाँ गए पैसे? नीतू, सर मैंने उधर ही रखे थे। कहाँ गए पैसे, कोई तो गया उस रूम में। हाँ बाबा, कल्पना रूम के अंदर गई थी। मम्मी ने ना उसको बाम की शीशी लेने के लिए अंदर भेजा था। नहीं प्रेम बाबा, कल्पी ऐसा क्यों करेगी, कल्पी चोरी नहीं कर सकती। आई, मैंने नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे को मालूम है बेटा, मेरी कल्पना चोर नहीं है साहब। तो एक मिनट पापा, अब इसका बैग चेक कीजिए, इसी ने पैसे चोरी किए। नहीं आई, मैंने नहीं चुराए, मैंने कोई चोरी नहीं की आई। हाँ बेटा, ये क्यों करेगी हमारे घर में चोरी। सॉरी पापा, सॉरी कल्पना, मुझे तो बस लगा कि वो अंदर गई थी इसलिए इसने पैसे चुराए होंगे। ये ले तेरा बैग। तू आज कल्पी को अपने साथ में इन सब के यहाँ लेके जाएगी। अगर तू कल्पी को वहां लेके नहीं गई तो वह हमेशा चोर समझेंगे इसको। जब तू इसे लेकर आएगी वापस तो इंसाफ के साथ लेके आना। क्या आप जानते हैं कल्पी के बैग में किसने पैसे रखे थे? मैं पूरी कोशिश करूंगा पता लगाने की। कल पैसे आपने गिन लिए थे ना? ओहो, क्योंकि उसमें 2,000 रुपए कम थे। व्हाट? कैसे? मेरे पास सबूत है।